हाँ कह सकते हैं आप, मतलब अपनी तो मुझे नहीं पता, मगर बहुत से लोगों की ड्रीम लाइफ जो है वो मैं जी रहा हूँ। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। और आज हमारे साथ बहुत ही ज्यादा स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं, और आज हमारे साथ दिनेश सर मौजूद हैं, जो एक एक्टर हैं, मॉडल हैं, बहुत सारी मूवीज में सर ने काम किया है, बहुत सारे टीवी सीरियल्स में सर काम करते हैं, एंड बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन मिलेगी सर आप लोगों को, सबको बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन मिलेगी सर के साथ बात करके। तो मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, बिकॉज सर ने बहुत कुछ अचीवमेंट की अपनी लाइफ में। सर बहुत सारी मूवीज में आए हैं, जैसे भारत में आ चुके हैं सर, सलमान खान के साथ सर ने काम किया है, एंड क्या तुम मीरपुर में रहते थे? जी। क्या तुम्हारा नाम भरत भरत सिंह है? तुम्हारा नाम भरत नहीं है क्या? तू मेरा भरत नहीं है किया है, एंड बहुत सारी मूवीज में सर आए हैं, तो आप लोगों को भी बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा सर के साथ बात करके। तो वेलकम सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच। सर बहुत, मतलब हमारी ऑडियंस बहुत ज्यादा समय से वेट कर रही थी आपका, बिकॉज मैं स्टोरीज डालता रहता था आपकी, और सब लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं आपके बारे में और डीपली जानने में कि आप और क्या क्या करते हो। मैंने जितना बोला वो तो कुछ भी नहीं है आपके अचीवमेंट के सामने, तो थोड़ा सा सर आप भी बताइए आप क्या क्या और करते हैं सर, इंट्रोडक्शन। मैं हाँ, मतलब थोड़ा अपने टाइम को अच्छे से स्पेंड करने की कोशिश करता हूँ। तो मैंने वेब सीरीज की हैं और मूवीज की हैं, भारत, सांड की आंख, दरबार, हैप्पी सरदार, एक तमिल की, एक मलयालम की भी मूवी रिलीज होनी बाकी है, और टीवी सीरियल किए हैं मैंने, और वीडियो सॉन्ग्स, सॉन्ग में वीडियोस किए हैं, पंजाबी मूवी की है, और मैं टेडएक्स में और जोश टॉक्स पे एज मोटिवेशनल स्पीकर भी बहुत जाता हूँ बात करने के लिए, और फैशन में मैं मतलब रैंप वॉक करता हूँ एज ए मॉडल, और अपने स्टाइल के लिए भी जाना जाता हूँ मैं, और बस ऐसे सब करके अपना टाइम पास करता हूँ और अच्छे से बीत रहा है समय, और आई विश के हाँ आगे भी अपना इसी तरह से ध्यान रख के मैं जो मेरे लिए पॉसिबल है वो सब मैं सामने सबके लेके आ सकूं। जरूर सर, जरूर। मैंने भी आपकी वो जोश टॉक्स वाली वीडियो देखी सर, बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन मिलती है हमें वो सब चीजों से, और बहुत अच्छा लगा मुझे वो सब देखकर। एंड सर मैं जानना चाहूंगा कि सर आपकी ये जो जर्नी रही, बिकॉज आपने जो जीरो से स्टार्ट किया था, am I right? आपने जीरो से स्टार्ट किया था सर जी। तो आपकी जो जर्नी रही, आपने स्टेप बाय स्टेप आगे किया, एंड आज आप 62 इयर्स ओल्ड के हो, बट कोई कहेगा नहीं वो अलग बात है, बट तब भी मतलब कैसी जर्नी रही आपकी, कैसे आपने स्टार्ट किया, स्टेप बाय स्टेप कैसे आप इतने ज्यादा ग्रो किए, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। मुझे खुद को बिल्कुल विश्वास नहीं होता कि मैं मतलब इतना आगे तक आ गया हूँ और ये सब मेरी अचीवमेंट्स हैं, और मैं इस बारे में अगर आपको सच बताऊं तो ज्यादा सोचता भी नहीं हूँ, क्योंकि अगर मैं सोचने बैठ जाऊंगा तो फिर मेरी एनर्जी इसी चीज में सारी निकल जाएगी कि मैंने क्या अचीव कर लिया है। मैं फोकस करता हूँ उन चीजों पे जो अभी मैंने अचीव नहीं की है, सो ज्यादा फ्यूचर के बारे में ही प्लान करके और अपने डे टू डे इस हिसाब से लाइफ निकालता हूँ कि और अच्छा काम जो है वो सबके सामने लेके आऊं। मैंने कहीं पे सुना था कि हिस्ट्री जो है वो हम सब लिखते हैं अपने एक्शन से, मगर जब हम वो एक्शंस कर रहे होते हैं तो हमें बिल्कुल आभास नहीं होता कि हम हिस्ट्री लिख रहे हैं। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। आज ये कहा जाता है कि मैं 60 से ऊपर वाले मॉडल्स का समय जो है वो फैशन इंडस्ट्री में लेके आया हूँ और एक नया जीवन दिया है मैंने 60 से उम्र वाले मॉडल्स को और एक्टर्स को, मगर मुझे खुद को इस बारे में बिल्कुल कोई आभास नहीं है
मैं बस जो काम आता गया, कुछ मैंने प्लान नहीं किया, उसको बिल्कुल सच्चे दिल से मैं करता गया, और वो अचीवमेंट्स किस तरह से हो गई आई हैव नो आइडिया। लोगों का प्यार मुझे बहुत मिला है, मेरे हिसाब से सबसे बड़ी अचीवमेंट जो है वो वही है और कुछ नहीं है। सही बात है सर, सही बात है। और सर ये भी मैंने सुना है कि आप इंडियन मॉडलिंग हिस्ट्री में आप सिल्वर फॉक्स के नाम से बहुत ज्यादा मशहूर हो, बहुत जाना जाते हो, तो सर इसके पीछे का क्या रीजन है सर? वो एक छोटा सा कॉन्टेस्ट था, जब मैंने पहले भी बताया इस बारे में, जब मैं मॉडल बना और मैं जब लोगों के प्रोफाइल चेक करता था तो मैंने देखा कि सब अपनी अचीवमेंट्स का, छोटे छोटे टाइटल्स का, बड़े बड़े टाइटल्स का पूरा जो है वो व्याख्यान करते हैं। तो मैंने भी एक ये छोटा सा टाइटल जीता एक ऑनलाइन कॉन्टेस्ट में जो यूएसए में था, और फिर मुझे लगा कि हाँ मुझे भी इसको यूज करना चाहिए। तो शुरू में बहुत से लोगों ने मजाक उड़ाया कि चांदी की लोमड़ी, सिल्वर फॉक्स क्या होता है, ये वो। लोगों को समझ नहीं आया कि जिनके बाल सफेद है, दाढ़ी सफेद है, उनको सिल्वर फॉक्स कह के बुलाया जाता है। तो मैंने ये टाइटल जो है वो अपने देश के लिए जीता, और तब से मैंने इसको यूज करना शुरू किया और काफी ये फेमस इसी नाम से हो गया। सर बहुत अच्छा लगा। एंड सर जैसे कि हमें, मुझे पता है, जैसे मैं अपनी ऑडियंस को भी बताना चाहूंगा कि सर आपका 1999 में सर आपके साथ एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ था, बहुत सीरियस चीज हुई थी आपके साथ, एंड उसके बाद 2013 तक आप एक डिप्रेशन में थे, एक डिप्रेशन वाले फेज में चल रहा था आपका, एंड 14 से 15 साल आप डिप्रेशन में थे। तो सर वो कैसे हुआ, क्या हुआ था, वो अगर आप चाहें तो थोड़ा हमारी ऑडियंस के साथ आप अगर शेयर करना चाहें तो। मैं बहुत ज्यादा डिटेल्स में तो नहीं जाऊंगा अपने पास्ट की, बिकॉज वो ऑलरेडी सोशल मीडिया पे है और फिर मैं डिस्टर्ब भी हो जाता हूँ इन चीजों से। थोड़ा उसको ओवरकम करने की कोशिश जो है वो मेरी आज तक जारी है, मगर कुछ पर्सनल लॉसेस थे, कुछ पर्सनल ट्रेजेडीज थी और कुछ दिक्कतें थी जिंदगी में, सरकमस्टांसिस की, तो उन सब के चलते हुए जो है मुझे अपना जॉब छोड़ना पड़ा, अपना शहर छोड़ना पड़ा, और काफी मुझे मुश्किलों का सामना, मतलब जेब में एक पैसा भी नहीं था, मगर थोड़ा मतलब उस टाइम पे हिम्मत इतनी थी नहीं, तो उन सब चीजों के आगे मैं टूट सा गया था, और काफी साल जो है मुझे अपने इसी लड़ाई में, डिप्रेशन से लड़ते हुए और अपने वेट के साथ, मैं बहुत वेट मेरा बढ़ गया था, मोटापा बहुत आ गया था, और उस वजह से बहुत मेडिकल प्रॉब्लम्स हो गई थी, चलना फिरना बंद हो गया था, घर से निकलना बंद हो गया था। तो ये सब जो है वो 2013 तक चला, और फिर वहां से मैंने डिसाइड किया कि अब बहुत हो गया रोना धोना और अपने हालातों का की दुहाई देना। सो वो मैंने फिर कोशिश की कि उसको ओवरकम कर जाऊं। जी तो सर जैसे गाइस मैं आप सबको भी बताऊं कि सर का वेट, जब सर डिप्रेशन वाले फेज में चल रहे थे तो सर का वेट 175 kg, राइट सर? नो 135 kg तक सर का वेट पहुंच गया था और सर ने जब सर को लगा कि हाँ मुझे कुछ करना है अब अपनी लाइफ में अब ऐसा नहीं चलेगा क्योंकि मुझे भी ओवरकम करना है तो सर मतलब 135 kg से सर ने 71 kg तक ओनली 9 मंथ्स में सर ये मतलब कैसे सर मतलब लोग जानना चाहेंगे आपका डाइट प्लान क्या था, क्या आपने ऐसा किया कि 9 मंथ्स में आपने 135 kg से डायरेक्ट 71 kg, कैसे सर? बहुत से लोग मेरी, जब मैं अपनी ये स्टोरी डालता हूँ कहीं पे सोशल मीडिया पे, तो बहुत से लोग कमेंट्स करते हैं कि ये साइंस का चमत्कार है, ये दवाइयों का चमत्कार है, ये सर्जरी का चमत्कार है, मगर लेट मी टेल यू, मैं बहुत ऑनेस्ट हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ मेरी अपनी विल पावर थी और सारा डाइट का खेल था, क्योंकि मैं बहुत गंदा खाना खाता था, तला मला सब कुछ, मीठा ये वो, और वो सब जैसे ही मैंने छोड़ा, और शायद ऊपर वाला ये चाहता था कि मेरी जो असल में जीवन में जो लक्ष्य है एज मॉडल एंड एक्टर, वो मेरे सामने किसी भी तरह से आए, तो ऊपर वाले ने भी मेरी बहुत मदद की, और ऐसे हंसते खेलते हुए एकदम से मतलब 9 मंथ्स के अंदर ही मेरा काफी वेट लॉस हो गया, और बस वो फिर वहां से फिर मॉडलिंग एक्टिंग की ऑफर्स आने लग गई। एंड बहुत सिंपल डाइट प्लान था, बहुत बेसिक चीजें मैंने फॉलो की, कि मैंने चीनी
चीनी से मतलब है मीठा। अब वो मीठा चाहे नेचुरल चीजों में हो और चाहे हम जो चीनी वगैरह डालते हैं उसमें हो, तो वो सब मैंने छोड़ दिया। मैंने फ्राइड फूड जो है जिसमें आप परांठों से लेके मतलब कुछ भी मिठाइयों तक वो सब डालते हो, वो सब मैंने छोड़ दिया। मैंने बाजार का खाना जो है वो बिल्कुल छोड़ दिया। अब बाजार के खाने से मतलब है कि जो फूड्स जो है वो कैंड आती हैं, जूसेस हैं या जितनी भी चीजें पैकेट में बंद होके आती हैं, वो सब मैंने बिल्कुल छोड़ दी। मैंने सफेद आटा जो है वाइट फ्लावर उसको बहुत लिमिटेड कर दिया, और मैंने मल्टीग्रेन आटा जो है वो जिसमें कई तरह के वो मिले होते हैं अनाज, वो मैंने शुरू किया। और इस तरह से मतलब एक हेल्दी चॉइस करके फ्रूट्स खाना शुरू किया, सैलेड्स खाना शुरू किया, ओट्स खाने शुरू किए, तो उस वजह से। और फिर अपने आप को थोड़ा एक्टिव किया कि चलने फिरने लग गया, सीढ़ियां चढ़ने लग गया, जहां जाना होता था थोड़ा पैदल चलने की कोशिश करता था। तो इस तरह से अपनी एक्टिविटी को और डाइट को वो करके मैंने ये सब अचीवमेंट कर लिया जी। वाह सर, बहुत बहुत मतलब बहुत मुश्किल लगता है, बट आपने जैसे बताया तो लग रहा है कि हाँ हम भी कर सकते हैं। मुश्किल बहुत था, क्योंकि मैं मुझे अब तक याद है कि कई बार जो है मैं फेल होता था। डाइट में तो नहीं मैं फेल हुआ, मगर अपनी फिजिकल जो मैंने टारगेट्स बनाए थे कि हाँ मुझे इतना पैक, क्योंकि मैं चल फिर नहीं पाता था, तो मैं पैदल चलने का एक टारगेट बनाता था कि आज मैं घर से निकलूंगा और मैं इतने किलोमीटर पैदल चल के आऊंगा। और आप यकीन मानिए उसमें मुझे सारा सारा दिन कई बार लग जाता था, बिकॉज मुझे थोड़ा बहुत चलने में भी बहुत दिक्कत आती थी, और लोग रास्ते में मजाक भी उड़ाते थे। उन दिनों मुझे कोई जानता नहीं था क्योंकि मैं मॉडल एक्टर नहीं था, तो लोगों को लगता था कि जिस तरह से चल रहा है लड़खड़ा के कि अभी गिरेगा तो शायद इसने शराब पी है या ये ड्रग्स पे है। अरे। तो ये सारी दिक्कतें सामना करके मैंने फिर भी हिम्मत नहीं हारी, और बिना लोगों की परवाह किए मैं जो मैंने टारगेट सेट किए थे वो सब मैं अचीव करता गया। सर मतलब लोग आपको ऐसे कहते थे, तो मतलब आपका क्या रेस्पॉन्स रहता था उनको? बहुत बुरा लगता था, मगर मेरे को एक चीज बहुत क्लियर थी अपने सामने कि अगर मैं सारी उम्र लोगों की ही बातें सुनता रहूंगा तो फिर मैं बिल्कुल आगे बढ़ नहीं पाऊंगा बिल्कुल भी। तो मुझे उनको इग्नोर करना पड़ा, क्योंकि सच्चाई मुझे पता थी कि मैं अपने आप से फाइट कर रहा था, क्योंकि मैं चल नहीं पाता था और मैं चलना दोबारा सीख रहा था। तो और मैं कोई मतलब शराब को मैंने आज तक कभी हाथ नहीं लगाया, ना ड्रग्स छुई है मैंने, और मैं प्योर वेजिटेरियन इंसान हूँ। तो मुझे अपनी सच्चाई पता थी, उसी के बल पे मैं आगे बढ़ता गया। आई डिडंट केयर के लोग क्या वो, और बहुत मजाक उड़ाते थे कई लोग, मुझे रोक के कहते थे, जो मेरे से बड़ी एज के थे वो भी कहते थे कि आपको शर्म नहीं आती आप शराब पी के सड़कों पे निकले हुए? तो मैं कहता था भैया आप अपना काम करो, आप जानते नहीं किसी के बारे में तो कमेंट मत करो। तो ये अच्छा अच्छा तो सर मतलब बहुत खराब फेज रहा वो आपके लाइफ में, तो मतलब आपका जी बहुत किसने सर सपोर्ट किया आपका और किस तरह से ओवरकम हुआ, क्या मतलब फैमिली सपोर्ट या मैं अपनी जी हाँ मैं अपनी छोटी सिस्टर और उनके हस्बैंड के साथ रहता हूँ तब से ही, मेरा ख्याल है सन 2000 से। तो उन लोगों ने ही एनकरेज किया, उन्होंने संभाला, और सिर्फ एक ही चीज मुझे हमेशा उन्होंने बताई कि तुम अपने सच के ऊपर जो है ना जो करना चाहते हो जिंदगी में वो करो, अगर वो लोगों को नहीं भी पसंद आता तो कोई ऐसी बात नहीं, तुम्हें अगर अच्छा लगता है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम किसी चीज पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे। तो उनकी इस एनकरेजमेंट की वजह से ही, और फिर मेरी सिस्टर जो है वो कुक करती थी, खाना बनाती थी, तो अच्छा। उन्होंने डाइट का मेरे पूरा ध्यान रखा कि घर में, एंड मतलब सबसे बड़ी बात यह है कि उन दोनों ने भी वही खाना शुरू कर दिया जो खाना वो मेरे लिए बनाते थे, क्योंकि उनको लगा कि कहीं मुझे अकेला ना लगे या देख के मेरा मन ना करे कि ये लोग डिफरेंट खा रहे हैं और मैं डिफरेंट खा रहा हूँ। तो उन्होंने भी वही डाइट अपना लिया और उन दोनों की हेल्थ भी बहुत इम्प्रूव हो गई मेरे साथ साथ। बहुत ज्यादा सपोर्टिव था, मतलब बहुत सपोर्टिव आपकी फैमिली, बहुत अच्छा लगा ये सुन के। एंड सर मतलब आपका पहले से ही मन था कि मुझे मॉडल एंड एक्टर बनना है, जो आप आज जहाँ पर हो आपने पहले ही इमेजिन कर लिया था कि मुझे मॉडल एंड एक्टर बनना है, या पहले आपका क्या सपना था? भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरा सपना जो है ना जीवन में बहुत जब मैं जवान था तब देखे थे, मगर वक्त ने वो सारे सपने इतनी बुरी तरह से तोड़े कि मैंने सपने देखना जो है लाइफ में वो छोड़ दिया, और मैं आज तक सपने नहीं देखता, क्योंकि मुझे पता है कि अगर आप कुछ प्लान बनाओगे वक्त हो सकता है उस प्लान से बिल्कुल उल्टा कर दे, तो फिर अपना दिल क्या दुखाना। जैसे समय आ रहा है
जैसे वक्त आ रहा है। और इसी तरह से मुझे अपने आप ही मॉडलिंग और एक्टिंग की ऑफर्स आई, और मैंने कभी कभी सुना नहीं था मॉडलिंग इंडस्ट्री के बारे में, एक्टिंग का। जितना नॉर्मल लोगों को पता होता है कि हाँ मूवीज होती हैं, वो कैसे बनती हैं, एक्टर्स का जीवन क्या है, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता था। शूटिंग क्या होती है, कैमरा क्या होता है, कैमरा एंगल्स क्या होते हैं, मेकअप क्या होता है, कपड़े क्या होते हैं, कुछ भी नहीं पता था मुझे। तो पर वक्त ने वो सब मेरे को उस फील्ड के अंदर ले जाके खड़ा कर दिया, और मुझे लगा कि ये एक अब मुझे हो सकता है लास्ट चांस मिला है जीवन में कुछ करने का इतने सालों के बाद, तो इसको मुझे बहुत सिंसियरली करना है। और ऑनेस्टली अगर मैं सच बताऊं तो मुझे मजा भी बहुत आता था कैमरा के आगे, क्योंकि जीवन में मैं बहुत मतलब अपने में बंद इंसान रहा हूं, जो ज्यादा खुल के बोल नहीं पाते थे या ज्यादा अपने मन की बात कह नहीं पाते थे। तो कैमरा ने मुझे मौका दिया कि मैं अपने आप को एक्सप्रेस कर सकूं, अलग अलग कैरेक्टर्स में नए नए कपड़े डाल के या भाग दौड़ के या किसी भी तरह से, तो उसको वो सब करके मुझे बहुत मजा आता था। और उसकी मुझे बहुत जिसे कहते हैं एडिक्शन है, तो वो मेरा नशा जो है वो कैमरा ही है। मतलब सर अभी आपको आपकी ड्रीम लाइफ आप अभी जी रहे हो? हाँ कह सकते हैं आप। मतलब अपनी तो मुझे नहीं पता, मगर बहुत से लोगों की ड्रीम लाइफ जो है वो मैं जी रहा हूँ। हाँ सर सही बात है। और सर आपको मैं कहना चाहूंगा कि मैंने इंस्टाग्राम पे अभी थोड़ी देर पहले ही एक स्टोरी करी थी कि अगर आप लोगों में से कोई भी दिनेश सर से अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहे तो आप मुझे बता सकते हो। तो मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आए, करीब 10 क्वेश्चंस आए मेरे पास, तो सर मैं पूछना चाहूंगा आपसे वो क्वेश्चंस, थोड़े बचकाने से हैं लेकिन अच्छा लगेगा हमें। जरूर। तो सर सबसे पहला क्वेश्चन है कि आपका रियल लाइफ इंस्पिरेशन क्या है? मेरा रियल लाइफ इंस्पिरेशन ऐसे मतलब कोई इंसान या कोई घटना नहीं है, मगर मैं जो लोग जो है वो अपने सरकमस्टांसेस से ऊपर उठ के, चाहे वो गरीब हो या अपनी स्थितियों से लड़ रहे हैं और फिर भी उनके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है उन सब सरकमस्टांसेस में, तो वो सब मेरे रियल लाइफ इंस्पिरेशन है। चाहे वो रिक्शा चलाने वाला हो, चाहे वो हमारी सड़कें लोकेलिटी साफ करने वाले लोग हों या कूड़ा उठाने वाले लोग हों, तो जो अपने सरकमस्टांसेस के बावजूद जो हंस रहे हैं और अपने काम को सिंसियरली कर रहे हैं, वो सब मेरी इंस्पिरेशन है। अच्छा अच्छा। तो सर इसी बात से मेरे को एक क्वेश्चन आया कि सर जैसे आपका जब वेट लूज आप कर रहे थे तो उस समय आपका कोई इंस्पिरेशन होगा ना कि मुझे भी इनके जैसा दिखना है, या आपका कोई मतलब मुझे भी इनके जैसा अपना वेट लॉस करना है, तो वो कौन थे जिनको देखकर आप इतना ज्यादा मोटिवेटेड होते थे? हाँ बाई चांस देखिए, मैं बिल्कुल आपको ऑनेस्टली बताऊंगा कि मुझे मॉडलिंग और एक्टिंग के बारे में तो कुछ नहीं पता था। हाँ, मगर बाई चांस कुदरत का करिश्मा ऐसा कह लीजिए कि उन दिनों में जितने लोगों को फॉलो करता था फेसबुक पे, वो सब जो है वो मॉडल्स थे, और मुझे उनकी फिजिक्स, उनका स्टाइल और उनका लाइफस्टाइल जो है वो पता नहीं क्यों अंदर से बहुत अच्छा लगने लग गया था। और मैंने, मेरी एक रिश्तेदार जो है वो कनाडा से आई हुई थी, ये 2014 की बात है जब मैं अभी मॉडल बना नहीं था, तो मैंने, उन्होंने मेरे से पूछा कि दिनेश अब तुम काफी ठीक हो गए हो तो तुम कुछ करना चाहते हो अब? तो मैंने उनको ये जवाब दिया था कि मुझे इस जन्म का तो पता नहीं, बिकॉज बहुत से हैंडीकैप्स हैं मुझे, मगर अगले जन्म में हो सकता है मैं मॉडल बनना चाहूँ, कि अच्छे कपड़े पहनूं, अच्छा लाइफस्टाइल हो, अच्छा खाओ, लोगों के आगे एग्जाम्पल सेट करो। तो ये बात मैंने उनको बोली थी, तो अभी कुछ दिनों पहले ही उन्होंने मुझे ये वाक्या याद कराया कि तुम्हें याद है तुमने क्या बोला था। सो सर मिरेकल है, मिरेकल हुआ आपके साथ सर, बहुत बड़ा जी। वो ही हुआ कि आपने कोई बात, कोई तमन्ना आपने जाहिर की तो कुदरत ने उसको पूरा कर दिया, वही हुआ मेरे साथ। सर सही बात है। और सर जैसे कि आप मतलब कि जब आपने स्टार्ट किया मॉडलिंग के जर्नी, जैसे अगर हमारे व्यूअर्स में भी बहुत लोग होंगे जिनका मन है कि मुझे भी मॉडल बनना है, मुझे भी इस फील्ड में कुछ करना है, तो वो किस तरह से स्टार्ट करें सर, मतलब किस तरह से उनको स्टार्ट करना चाहिए? गूगल पे, हाँ, मतलब एक तो अपने आप को अच्छे से एनालाइज कीजिए कि आप में वो क्वालिटीज मॉडल बनने की हैं या नहीं है, हाइट, पर्सनैलिटी, स्टाइल सेंस, वो स्वैग, एक वाइब्रेशन, अच्छी वाइब्रेशन, वो सब आप में है या नहीं है। और फिर गूगल पे आप चेक कीजिए, अपनी फोटोज को जो है वो एजेंसीज को भेजिए, उनके रिस्पॉन्स से ही आपको पता लग जाएगा कि आप मॉडल बन सकते हैं या नहीं। मोस्टली क्या होता है इस लाइन में कि हम में मॉडल बनने का पोटेंशियल नहीं होता,
और हम हालात को या इंडस्ट्री को ब्लेम करते हैं कि सर मैं मॉडल बनना चाहता हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ देखने में, मगर मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा. दिस इज रॉन्ग. कहीं पे आप में अगर टैलेंट है मॉडल बनने का, ये इंडस्ट्री भी चाहती है कि नए चेहरे जो है वो एंटर करें और अपना नाम चमकाएं. तो अगर आपको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा तो फिर आप इस काम के लिए नहीं बने हो. सो इसलिए इस पे टाइम वेस्ट अपना मत कीजिए ज्यादा. ओके सही बात है सर. ये पॉइंटर क्वेश्चंस पूछ लेता हूँ मैं आपसे सर. दूसरा क्वेश्चन है कि आपका फेवरेट ड्रिंक कौन सी है? मेरी फेवरेट ड्रिंक जो है वो एक जब मक्खन या वो निकालते हैं तो एक चीज होती है जिसको हाँ जिसे छाछ कहते हैं. जिसमें कोई हाँ मतलब जिसमें कोई फैट ना हो और उसमें बहुत मतलब प्रोबायोटिक बहुत उसमें क्वालिटीज होती हैं वो आपके हाजमे के लिए स्किन के लिए. सो वो मेरा फेवरेट ड्रिंक है. बढ़िया. एंड चाय. सर फेवरेट मूवी? चाय बहुत पीता हूँ. माय फेवरेट मूवी इज माय ओन मूवी बाय चांस, सांड की आंख. जो मुझे बहुत हाँ जी बहुत इंस्पिरेशनल मूवी है, बहुत बढ़िया मूवी है. और उस मूवी को करने के बाद मुझे लगा कि अब चाहे मैं रिटायर भी हो जाऊं कम से कम इतिहास में नाम लिखा गया कि मैं उस पिक्चर का हिस्सा हूं. यो के है ये फॉग. ओ बेटे उड़िया आई हॉर्न फॉग. बेटे गिव मी फॉग. ये लीजिए. हेलो आप लोग यहाँ? राम राम जी. राम राम जी. यो हमारी बेटी है. नमस्ते बेटा. आई एम सो प्राउड ऑफ माई वाइफ एंड द फैक्ट कि इनका निशाना मुझसे भी बेहतर है. बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर. फेवरेट एक्टर? This is a very tough question. अब ये डिपेंड करता है जो मैंने लास्ट मूवी देखी हो उसके ऊपर. अभी करंटली मेरे फेवरेट एक्टर जिन्होंने मुझे सबसे ज्यादा सरप्राइज किया अपने टैलेंट से वो हैं बॉबी देओल. उनकी वेब सीरीज आई है आश्रम, प्रकाश झा जी ने बनाई है. और मुझे मतलब बॉबी जो है वो हमेशा ऐसे लगते थे कि जैसे वो ग्लैमरस है बस, देखने में अच्छे हैं, मगर उन्होंने अपनी एक्टिंग से और जिस तरह से उनकी आंखें तक बोली हैं इस वेब सीरीज में, चाहे नेगेटिव करेक्टर है, तो बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड हूं मैं उनसे. तो मेरे करंट फेवरेट जो है वो बॉबी देओल है. ओके सर, फेवरेट सॉन्ग कौन सा है आपका? बहुत से हैं. एक सबसे बड़ा फेवरेट सॉन्ग है मेरा जिंदगी ना मिलेगी. सर कोई एक गाना बनता है सर, एक गाना गाकर सुनाइए हमारी ऑडियंस को. अरे नहीं बिल्कुल नहीं. आई एम नॉट अ सिंगर एट ऑल. सर कौन सा सॉन्ग? जिंदगी ना मिलेगी दोबारा का. जिंदगी ना मिलेगी दोबारा. ओके सर, आपको कौन से एक्टर के साथ काम करके सबसे ज्यादा मजा आया एंड बहुत अच्छा लगा आपको? देखिए मैंने एक्टर्स तो अभी बहुत लिमिटेड काम किया है. मतलब तीन हिंदी की तीन ही पिक्चरें रिलीज हुई हैं अभी मेरी, भारत और सांड की आंख और दरबार. और तीनों में जो है काफी बड़े बड़े स्टार्स थे. भारत में सलमान खान थे, कतरीना कैफ थी, और सांड की आंख में तापसी पन्नू, भूमि पेडनेकर, प्रकाश झा, दरबार में रजनीकांत जी. और मुझे सबसे ज्यादा मजा ऑफकोर्स शूट करके दरबार को आया, बिकॉज दरबार जो है बहुत लैविश था, बहुत बड़े स्केल के ऊपर बहुत पैसे वाली मूवी थी वो, और बहुत अच्छा अच्छे से हमें ट्रीट किया गया. बहुत लोगों को मुझे मिलने का मौका मिला, तो मजा मुझे सबसे ज्यादा दरबार के शूट में आया. वाह बहुत बढ़िया सर. फेवरेट एक्ट्रेस, अट्रैक्टिव एक्ट्रेस? अट्रैक्टिव अब ये भी रोज बदलती हैं, क्या करो. सर कोई एक बताना चाहिए आप? करीना कपूर. ओके ओके हाँ. सर फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है आपको? कौन सा कैरेक्टर बहुत पसंद है मूवीज में? हाँ मुझे मतलब हॉलीवुड मूवीज में ज्यादा, मैंने क्योंकि इंग्लिश मूवीज ज्यादा देखी हैं. अच्छा. तो मुझे जेम्स बॉन्ड का कैरेक्टर जो है वो बहुत पसंद है. ओके और उस टाइप की मूवीज बहुत पसंद है. अच्छा अच्छा अच्छा
सर आपकी लाइफ की जो स्टोरी है इतनी ज्यादा इंस्पिरेशनल स्टोरी है, बहुत मतलब बहुत ज्यादा मोटिवेटिंग स्टोरी है, तो अगर आपकी लाइफ के ऊपर एक फिल्म बनी जाए, अगर आपकी एक बायोग्राफी बनी जाए, तो क्या नाम होना चाहिए उसका? Live life to its fullest. अगर इंग्लिश में, और अगर हिंदी में नाम होगा तो अपराजिता. वाओ, सही. सर आपको बियर्ड लुक पसंद है या नॉन बियर्ड? बियर्ड ऑफ कोर्स, मगर सिर्फ आदमियों पे. अच्छा. तो सर बस इतने क्वेश्चन थे, सबको सबके आंसर्स मिल गए हैं. बहुत अच्छा लगा इन सबके आंसर्स को लेकर. अब सर मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि सर आपने इतने बड़े बड़े एक्टर्स के साथ वर्क किया है, आपने इतने सारे टीवी सीरियल्स में वर्क किया है, तो सर कैसा एक्सपीरियंस रखा आपका, कैसा लगा आपको सलमान खान के साथ वर्क करके? कैसे हुआ एंड मतलब ये प्रोसेस आगे बढ़ा आपका? मुझे ऐसे कास्टिंग वालों से फोन आया था, मुकेश छाबड़ा कास्टिंग वालों से मुंबई से, कि एक रोल है और वो छोटा सा रोल है बिल्कुल, और एक डेथ सीन है या ऐसा कुछ उन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया, और लकीली वो मुझे काम मिल भी गया. और काम तो खैर वो काफी दिन चला, मुझे 11-12 दिन शूट करना पड़ा, हालांकि सीन जो है वो सिर्फ एक ही आया एंड में. और सलमान खान जो है वो मुझे खुद को पर्सनली बहुत अच्छे इंसान लगे, जो जिस तरह से वो बिहेव कर रहे थे, या जैसे उन्होंने, ज्यादा तो हमारा इंटरेक्शन नहीं होता सेट के ऊपर क्योंकि सब अपने ही काम में बिजी होते हैं, मगर व्हाट आई कुड ऑब्जर्व दैट प्रेस में कुछ और इमेज आता है और रियल में इंसान का इमेज जो है वो कुछ और होता है. तो वहां से मैंने ये सबक सीखा कि भाई आप अपनी जिंदगी जो है वो अच्छे से जियो, प्रेस वाले तो किसी भी चीज को उछालते या गिराते रहेंगे. सो ये मैंने सबक वहां उस मूवी में काम करके सीखा. यू हैव टू बी योर सेल्फ, यू नो, यू जस्ट डोंट हैव टू केयर अबाउट व्हाट द प्रेस इज टॉकिंग अबाउट, यू हैव टू बी योर सेल्फ. राइट राइट राइट. सर फिर आपको मतलब सलमान खान के साथ जब आपने वर्क किया, तो मतलब किस तरह से आपने उनके साथ इंटरेक्ट किया वो थोड़ा सा बताएं, मतलब किस तरह से आपने उनके साथ इंटरेक्ट किया, कैसे इंटरेक्शन तो मिले उनके साथ? हाँ, मैं बहुत बार इस वाक्या को बहुत बार दोहरा चुका हूँ और बड़ा फनी इंसिडेंट है, और ये सब फनी इंसिडेंट्स मेरे साथ ही होते हैं. मैं जब वहां सेट पे गया, और एक गांव के अंदर सेट लगा हुआ था खेतों के बीच में एंड ऑल दैट, तो कुछ प्रॉपर बैठने की जगह नहीं मुझे मिली, तो मैंने अपने असिस्टेंट जो मेरे साथ थे उनको बुला के कहा कि भाई मैं यहाँ इस तरह से नहीं बैठ सकता, ठंड का मौसम है और खेतों के बीच में, एंड आप बताइए मेरी जगह कहाँ है बैठने की. तो वो मुझे लेके गए और एक बहुत शानदार टेंट लगा हुआ था उसके अंदर मुझे ले जाके बिठा दिया, और बाद में मुझे पता लगा कि वो टेंट जो है वो सलमान खान का था और मैं किसी को पहचानता नहीं था. वहां पे प्रोड्यूसर जो है अतुल अग्निहोत्री, जो उनके जीजा भी हैं सलमान के, वो बैठे थे, तो मैंने उनको भी नहीं पहचाना बिकॉज मैं बिल्कुल आउटसाइडर हूँ. और फिर खैर मुझे मेरी वैनिटी मिल गई, और जब मैं ब्रेकफास्ट के लिए जा रहा था तो सलमान उस टेंट के बाहर खड़े हुए, तो जैसे ही मैंने उनको हेलो किया और उन्होंने मुझे देख के बोला कि माशाल्लाह क्या खूबसूरत लगते हो आप, तो ये बात मुझे जो है ना ये बहुत, और फिर उन्होंने अपना फोटोग्राफर भेजा, पर्सनल फोटोग्राफर के सर के फेस की कुछ फोटोज खींच के आओ, और फिर मेरी जो लुक है वो सलमान की जो उसमें ओल्ड एज दिखाई गई है भारत में, तो वो लुक जो है काफी उससे मिलती है. तो मुझे इन सब चीजों से बहुत खुशी हुई और बहुत एक यूनिक एक्सपीरियंस था मेरे लिए. या राइट राइट सर, वो आपकी जैसे लुक है एकदम सलमान खान जी की भारत मूवी में, एकदम सेम टू सेम. यस यस, मैंने नोटिस किया था ये. बहुत अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा लगा आज आपके साथ इंट्रोडक्शन, मतलब आपका इंटरव्यू लेके, एंड बहुत कुछ सीखने को मिला, लोगों को भी बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिली होगी. सर बस एक दो आखिरी क्वेश्चन हैं आपके लिए कि सर अब आपने यहाँ तक आप पहुंच चुके हैं, अब आप सर और क्या क्या करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, और क्या आपका सपना है, क्या ड्रीम है, मतलब फ्यूचर गोल क्या है अब आपका सर? मेरा फ्यूचर गोल जो है ना वो सिर्फ एक ही है कि मैं खुश रहूं, स्वस्थ रहूं, और मेरे आसपास जितने लोग हैं वो खुश रहें और हेल्दी हैं. दिस इज माय ओनली ड्रीम, दिस इज माय ओनली एम्बिशन, और इसी को लेके आगे बढ़ रहा हूं, और इसके अलावा कुछ नहीं. जीवन बना रहेगा, जान है तो जहान है, और अपने आप को मैं हेल्दी रख सकूं, ये मेरा सबसे बड़ा ड्रीम है.
वाओ वाओ, बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। एंड सर, जो हमारी यूथ इस वीडियो को देख रही है, जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो सर आपका कोई एक उनके लिए कोई एक नोट? हाँ नहीं, ठीक है ठीक है, अब आ गया। तो मैं यही कह रहा था कि जो जो कुछ भी है वो आपके पास अभी और इसी समय है, तो उसको समय को गवाइए मत और अच्छे से उसको यूज कीजिए, ताकि आने वाले समय में आप भी हिस्ट्री का एक अच्छा हिस्सा बन सके। राइट राइट राइट। तो थैंक यू सो मच सर, आप आए हमारे साथ और इतना अच्छा आपने अपना कीमती समय हमें दिया, बहुत अच्छा लगा सर, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच सर। यू मोस्ट वेलकम डियर, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, और सभी देखने वालों को भी भगवान हमेशा खुशी दे। नमस्कार जी। तो गाइज, अगर आपको ऐसे और भी वीडियोस चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मैं इस तरह के वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।